हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो. व्हाट एन आवर दैट वाज गाइस. आई लाइक इट. एक्चुअली आई रियली रियली लव इट एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आल्सो डू. इन सारे परफॉर्मेंसेस को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है गाइस कि अगर आप मुझे शादी के रिसेप्शन के स्टेज पे डाल दो एट दिस पॉइंट, तो मैं बिना कंप्लेन किए फंक्शन के एंड तक स्माइल कर लूंगी. दैट्स हाउ हैप्पी दिस परफॉर्मेंसेस हैव मेड मी फील. पर इस स्माइल के पीछे आप सबका भी योगदान है. पीएम केयर्स फंड के प्रति डोनेशन करने का योगदान. और जिन्होंने अभी तक डोनेट नहीं किया है, प्लीज फोमो मत फील कीजिए. फोमो करने के बदले स्क्रीन पर दिखने वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके फंड्स ट्रांसफर कीजिए. नो अमाउंट इज स्मॉल. आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी डोनेट कर सकते हैं. पर गाइज, आई नो यू गाइज हैव बीन वेटिंग फॉर दिस एंड आई मैं बहुत देर से टाल रही हूं, पर अब समय आ चुका है आज के स्पेशल गेस्ट से मिलने का. ही इज अ मैन दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट आई विल गिव हिम वन, वरना मेरा काम ही क्या है यहाँ पे गाइज. राइट, जोरावर करछी ढंग से चला ले यार, क्या कर रहा है. लड़कों को लड़की बनाना है इनका केआरए. दीपिका के हैं ये वन साइडेड आशिक बेचारे, पर खुशी हो या गम ये हमेशा है आपको हंसा देता. तालियों के साथ स्वागत कीजिए शर्मा जी का बेटा. ये शर्मा जी के लड़का तो हेलो, इस शर्मा जी के लड़के हाय ने तो कुशा, कैसे कॉमेडी में भी हमको पीछे छोड़ दिया. हाय कपिल, हो आप? कुशा, बहुत बढ़िया. वेलकम टू वन नेशन. थैंक यू कुशा फॉर हैविंग यूट्यूब, और यूट्यूब देख रहे तमाम हमारे दोस्तों को हेलो. कुशा, एक बात बोलूं मैं पहले हाँ जी बोलिए. ना, बिकॉज मैं हम लोगों ने बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी वन नेशन की, और लेकिन ना कल मेरा मूड बड़ा खराब हो गया. कल हाँ जी, जैसे इरफान सर ये पास कर रहे, और मेरी बिल्डिंग में ही रहते थे, और हाँ मुझे बड़ा जी, कल कल से वो फील हो रहा था कि यार पता नहीं लाइफ जाके मैं भी क्या बात करूंगा, इससे मन नहीं है. फिर आज ऋषि सर की न्यूज सुनी. एनीवेज, पर फिर बिल्कुल. एंड ऑफ द मैंने डे, भी सबसे बिकॉज हम लोग इस समय सब जानते हैं हम लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, और इस समय ये हाँ जो जी प्रोग्राम है, यूट्यूब का जो इनिशिएटिव है, ये बहुत ही बढ़िया है, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं भी इसका एक छोटा सा पार्ट हूँ, और उससे ऑफ ज्यादा खुशी हो कोर्स रही है आपसे मिलके. बड़ा देखा है मैंने सर, आपके वीडियोस. आपसे भी मिलके बहुत खुशी हो रही है. एंड ऑब्वियसली सर वी आर मत ऑल अ कहो ना लिटिल प्लीज. गटेड. हम अरे कपिल, हम सब थोड़े से सब गटेड हैं ऑब्वियसली ये न्यूज सुन के. पर जी मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है. जी कुशा प्लीज. कपिल, पूरा इंडिया आपको इतना प्यार करता है. आपके नाम पे शो है, आप तो दो चैनल्स भी बदल चुके हैं, आपने चार चार हीरोइंस के साथ रोमांस किया है, इतना पैसा, इतना शोहरत कमाया है, लोग आपका नाम लेना थकते नहीं है. आपने कभी सोचा था आप एक दिन कुशा कपिला के साथ लाइव चैट पे होंगे? सोच तो मैंने लिया था एक दो दिन इंस्टाग्राम में आपकी वीडियो. सोच एक्चुअली सच में बताऊं कुशा, मेरी बीवी आपकी बड़ी फैन है, वो आपकी अरे क्लिपिंग्स हाय देखती टू रहती है, गिनी. और उन्होंने मैंने अभी, वैसे मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि अभी गिनी से मैंने उनकी बात भी करवाई थी, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और हाँ वो मुझे आपकी क्लिप्स जी थी दिखाती रहती है, हमने. और तो आपके वीडियोज बहुत फनी होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं. और थैंक यू. अबे और हमारे सर हमारी आपको कंट्री तो में बहुत, जैसे भी स्टैंड अप कॉमिक्स बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा अच्छे अच्छे स्टैंड अप कॉमिक्स है हमारी कंट्री में, और अभी ऑब्वियसली यूट्यूब की वजह से बड़ा नया टैलेंट आया है. और लेकिन ना लड़कियों लड़कियों में पता नहीं लड़कियां करना नहीं चाहती या क्या रीजन है, शायद आपको ज्यादा पता होगा, बिकॉज आप लड़कियों को बड़ा करीब से ऑब्जर्व करती हैं, हाँ शायद जी, हाँ साउथ जी सर. एक्स की लड़कियों को, दिल्ली की लड़कियों को ऑब्जर्व मैं करती हैं, लेकिन हर हर लड़कियां लड़की को बहुत कम ऑब्जर्व आती है करती बता हूँ. इस फील्ड में. पर हाँ आप सर, पर कहाँ, मतलब अब बहुत रुख बदल रहा है. आपके शो पे इतनी जी सारी जी 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 टैलेंटेड नहीं, वुमेन है, बहुत बहुत अभी भारती है. तो हाँ, भारती बहुत अच्छी है, और बहुत सारी और भी लड़कियां आ रही हैं, सो विच इज वेरी गुड थिंग. सर जो मेरा थर्टी आपने सुबह से फैमिली, बैठे मैं हुए हैं कुछ है? नहीं सुबह से तो नहीं बैठी हुई सर, घर का काम वाम भी करना होता है ना. जैसे सर मुझे आपसे पूछना था, अभी आपने गिन्नी की बात करी, तो जी सर मैं पूछना चाहती हूँ कि घर का काम वाम कैसे चल रहा है अभी क्वारंटीन में. तो बर्तन आप करते हैं और गिन्नी रेस्ट करती है, कि बर्तन और पोछा आप करते हैं और गिन्नी रेस्ट करती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि गिन्नी मुझे कहे कि मैं धो दूंगा और मैं धो दूंगा, बिल्कुल नहीं. मैं चुपचाप जाके आराम से अपना कपड़े धो लेता हूँ, और ऐसा नहीं है कि कपड़े गिन्नी आप बोले खुद मुझे धो कपड़े रहे धो हैं? दे और मैं धोऊंगा, मैं चुपचाप जाके गार्डन साफ कर देता हूँ. चुपचाप होके नहीं गार्डन साफ मैं कर नहीं, देते हैं. थैंक गॉड ये घर पे हमारे दो लोग हैं जो हमारे स्टाफ में है, और कुदरती ऐसा है कि वो हमारे पास ही रहते हैं यहाँ पे, तो उनकी बहुत हेल्प मिल जाती है, और
हाँ जी पता नहीं चलता एक्चुअली। मैं सच बताऊं, मुझे ये कल 2 दिन अगर ये जो बड़ी सैड न्यूज सुनने को मिली, जी अदरवाइज सर मुझे 1.5 महीना पता नहीं चला लॉकडाउन कैसे निकला। घर में बेबी होता तो आपको वो आप एक्चुअली, आपकी तो अभी बेबी नहीं है, आपकी शादी होगी ना वैसे कुछ? अच्छा नहीं, शादी है सर बट कोई बच्चा नहीं है। शादी भी है, चलो वो जब दिन आएगा तो आप फिर आपको पता चलेगा कितना टाइम पास होता है ना, क्योंकि कितना तुम्हारा खुद से लगता है। टाइम हाँ पास होता है। यस सर, यस सर। एक मुझे था कि मेरी ना एक बहुत बड़ी सी टीम है जिसमें एक ही जी इंसान है और वो मैं ही हूँ एक्चुअली। तो हमने आप पे रिसर्च किया है सर। ठीक है आपके जैसा सर, नहीं है सर। बिल्कुल सर हमने कुछ रिसर्च किया आप पे और कुछ अफवाहें आई हैं, तो मुझे पता लगाना था आपसे कि वो सच है, वेरीफाई करना था आपसे। हाँ प्लीज प्लीज, मुझे बड़ा अच्छा तो लगता है आप अफवाहें, जी। हाँ जी। तो जैसे कपिल, आप लड़कों को लड़की बनाने का काफी शौक है, मतलब शो पे तो आप कर ही देते हैं, लड़के लड़कियां बन जाते हैं आपके शो पे। तो जी मैंने सुना था कि आपकी शादी में आप स्टार्टिंग में बैठे तो घोड़े पर थे, पर जब तक अच्छा आप वेन्यू तक पहुंचे तो वो घोड़ी बन गई थी। सर इज दैट ट्रू? घोड़े का था, 5 मिनट में वो घोड़ी बन गई। या क्योंकि वाह, ये सर आपके कांटेक्ट में है ना, तो एक्चुअली सच्ची बात है। वो या जब लग रहा तक था मुझे। नहीं, ये किसी ने ऐसे जोक बनाया या आपने खुद बनाया अपने शैतानी दिमाग से? पर हाँ, मैंने बिल्कुल सच्ची में पता है, मुझे घोड़ी पे बैठने का टाइम नहीं मिला। मैं निकल के जा रहा था अपने रूम से और रास्ते में मैंने घोड़ी सजी हुई, मैंने कहा बहुत ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये कब से आई? बोले 6 बजे। तो हम लोग अपनी शादी में पहुंचे कोई 11:30 बजे, तो मुझे बड़ा बुरा लगा उसको देख के। मैंने यार बेचारी गई नहीं है क्या? तो मैंने या 2 मिनट बैठे, मैंने फोटो खिंचाई, मैंने कहीं डालनी है, बड़ा जुलूसल लग रहा था कि अभी हाँ, सर निकला है। शादी में तो सेलिब्रिटी घोड़ी होती है एक्चुअली, वो मेन अट्रैक्शन होती है। सर ऐसे भी हाँ ऐसे भी अफवाह आई है कि फिरंगी मूवी देखने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपका पासपोर्ट सीज कर लिया। ब्रिटिशर्स तो खुश होना चाहिए, मैं तो उनका फैंटा सोचता गलत अफवाह है। और सर ओके सर तो देखी हाँ सर अब देखूंगी क्वारंटीन में, झूठ नहीं बोलना चाहती लाइफ पे। नहीं, मुझे वो तो मुझे पता है, ये नहीं देखी, देखी होती तो पैसे नहीं आते मेरे अकाउंट में। चलो थैंक यू कपिल, यू जस्ट बिन सच अ गुड स्पोर्ट। एक और अफवाह, एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे प्लीज। जी, हाँ, अगर आप किसी के साथ क्वारंटीन हो सकते इस हाँ टाइम जी पर, तो किसके साथ होते? सर अब दीपिका तो नहीं है, वो मिसेस सिंह बन चुकी हैं, तो आप दीपिका के साथ तो नहीं हो सकते। मेरी वाइफ की बदल बैठी सुन रही है ये क्वेश्चन, मैं सोच रहा हूँ आपको। हाँ नेक्स्ट 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 कर लेती हूँ, नेक्स्ट कर लेती हूँ। एक रैपिड फायर कर ले फटाफट, वो क्या होता है बेटा? अरे रैपिड फायर सर, बस मैं फटाफट क्वेश्चन पूछती रहूंगी, आपको जवाब देने। बताओ अपने बारे में, आप दिल्ली में कहाँ रहते हो? आप दिल्ली की लड़कियों की नकल भी अच्छी करते सर हो। मैं एक्चुअली रहती तो गुड़गांव में हूँ। अच्छा, वो दिल्ली गुड़गांव की बात है, अहमदाबाद से आप रहे हुए हैं दिल्ली में? दिल्ली में मैं रहा हूँ। पर हाँ, वो टाइम बड़ा अजीब सा था, मतलब मेरे फादर एडमिट थे सफदरजंग हॉस्पिटल, तो मैं वहां पे 5 6 घंटे अच्छा बैक टू बैक रहा। हाँ, तो मैंने बसों में बड़ा तो फटाफट एक रैपिड फायर कर लेते हैं सर, बढ़िया गाइस, सा। यूट्यूब पे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमें ना, क्योंकि आज कलाकारों का एक गुलदस्ता है पूरा यूट्यूब के पास, जो थोड़ी थोड़ी देर में आपके पास आ रहा है, तो इनकी ना टीम बैठी रहती है जो कान में बोलती है गाइस, और शुरू होने से पहले हमें बोल रहे थे गाइस 30 सेकेंड 20 सेकेंड। हमें लग बहुत रहा था स्ट्रेस कि होता पहली है। बार ना यूट्यूब के माध्यम से हम जहाज उड़ाने लगे हैं, अभी भी काम में बीच में बोल रहे हैं। तो हाँ, गाइस तो आप दोस्तों, ऐसा इससे पहले कि हाँ हमें ये बंद कर दें, पीछे से ना काट दें हमें दुश्मनी, हम अपने दिल की बात जरूर कर दें कि साथियों, मैं जो ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज फ्रॉम माय हार्ट कि लॉकडाउन तो खुल जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद लॉकडाउन खुल जाएगा मतलब सब खत्म हो गया? ऐसा नहीं है, प्लीज आप लोग बहुत सतर्क रहें, साल पूरा साल जो है हम लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो प्रॉपर बरकरार रखें, और ये सब चीजें प्लीज करें। हम लोग अभी हंसी मजाक में बातें कर रहे थे, लेकिन हाँ ये बातें भी आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सो ये पूरा साल जो है हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और उषा आई एम सॉरी, नेक्स्ट वीक आपसे मिल पाऊंगा। अभी ठीक है कपिल, मैं जरूर मिलना चाहूंगी आपसे। वो काम के लिए बोल रहे थे, काम में एक मिनट प्लीज अभी नहीं बोल रहे ना, तो एक 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 तो क्वेश्चन पूछ लूं प्लीज। प्लीज।
रैंक इन ऑर्डर ऑफ योर क्रश, आपको किस पे सबसे ज्यादा क्रश है? दीपिका, प्रियंका, कटरीना, करीना, ऐश्वर्या? अच्छा देखिए भाई, ओके, थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू तुषार. Thank you, Kapil. It was lovely speaking to you. सेम हियर, थैंक्स थैंक्स. Thank you. थैंक यू कपिल फॉर मेकिंग अस लाफ एंड एंटरटेनिंग अस. मैं और बहुत बातें करना चाहती थी, बट ऑब्वियसली दिस शुड कीप गोइंग एंड कीप डोनेटिंग गाइज. एंड स्वाद अनुसार डिजर्ट एंड बजट अनुसार वर्चुअल गिफ्ट आप सबके लिए फॉर वॉचिंग अस लाइव एंड ऑल्सो फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पी एम केयर फंड. क्यू आर कोड अभी भी स्क्रीन पे है, सो गो टेल योर फ्रेंड्स एंड फैम एंड प्लीज डोनेट. एनी वे अब मुझे जाना होगा गाइज, क्योंकि चावल में सीटी लगनी है और डिनर मुझे अभी भी खुद ही बनाने हैं. अपने आप तो चल के आएगा नहीं, बर्तन भी धोने हैं, बट एज प्रोमिस्ड आपका एंटरटेनमेंट चलता रहेगा. सो आज टेलीविस्टा बेबीज पर आवर नेक्स्ट होस्ट इज कमिंग, जिसके नाम पे पूरा लाइव चैट सेक्शन फुल है. लेट्स बी ऑनेस्ट, आप तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं, हम तो फिलर कॉन्टेंट है ना ऑनेस्टली. तो एक ऐसा कॉमेडियन जो अब ब्लॉगिंग करके पहना रहा है सबको टोपी, कमेंट्स में लिखिए ओपी ओपी ओपी, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ऋतिक रोशन के बचपन फ्रॉम K3G तन्मय भट्ट.